तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बांधकाम कामगार वालों को मिल रहे हैं 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। तो आज की इस वीडियो के अंदर सारा कुछ बताऊंगा और जो कुछ डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उनके बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। तो चैनल पर पहली मरतबा आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों उसके लिए हमको जाना होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र पर, और वहाँ पर जाने के बाद इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको इसको ऊपर की तरफ सर करना है। तो दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑनलाइन क्लेम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको न्यू क्लेम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और प्रोसीड फॉर्म पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ डालना है और वैलिड OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म खुल कर आएगा। आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको योजनी श्रेणी न्योड़ा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आर्थिक कल्याण योजना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर साइड में आपको योजना न्योड़ा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराला घर खरीदी किंवा घर बांधना करिता बँकेकडून घेतलेला गृह कर्जावरील ₹6 लाख पर्यंतच्या व्याजाची रक्कम अथवा 2 लाख अनुदान है, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का एक फॉर्म खुलकर आएगा। इस फॉर्म को आपको भरना है। तो यहाँ पर जो जो स्टार वाले हैं वो मैंडेटरी है, आपको वो भरना है। वो नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर भरना है आपने बैंक से कितना लोन उठाया है, और यहाँ पर लिखना है उसका इंटरेस्ट कितना लग रहा है, उसका ब्याज कितना लग रहा है, वो डालना है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बैंक का नाम डालना है, ठीक है। ऊपर में आपको बैंक शाखा डालना है। यहाँ पर आपको डालना है कि आपका लोन कब मंजूर हुआ, और यहाँ पर आपको बताना है कि आप कितने कालावधि में आपका लोन भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ सरकाएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मैक्सिमम फाइल साइज 2 MB तक यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं यहाँ पर देख लीजिए आप, राष्ट्रीयकृत बैंकेत कर्ज घेतल्याचे पुरावा। यहाँ पर आपने पुरावा, यहाँ पर से आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर जो भी आपने कर्ज लिया है उसका पुरावा जो भी है आपके पास, उस पर आपको यहाँ पे अपलोड करना है 2 MB तक, ठीक है। और सेकंड में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको सेकंड में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं पति अनि पत्नी चा नावावर घर नोंदविल्याचा पुरावा। यहाँ पर तीसरे में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं पति किंवा पत्नी चा नावे घर नसल्याचे शपथ पत्र। आपको चौथा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है राष्ट्रीयकृत बँकेकडून 6 लाख रुपयांचे व्याज देय प्रमाणपत्र। और यहाँ पर पाँचवें में आपको स्वयं घोषणा पत्र, इतने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और यहाँ पर इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, उस पर चेक मार्क करना है, और यहाँ पर सबमिट के बटन पे आपको ये उदे में है, और यहाँ सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपने संभाल कर रखना है, और उसकी और उस एक्नॉलेजमेंट नंबर की मदद से हम पता करते रहेंगे कि हमारा जो हमने एप्लीकेशन दिया था, फाइल डाली थी, वो कहाँ तक पहुँची है, रिजेक्ट हुई या सेलेक्ट हुई, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तबाह है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा।